क्या आपके पास लेटेस्ट आईफोन की फीचर्स हैं? नहीं। अरे आईफोन तो है ना? हाँ भाई हाँ। तो आज मैं आपको सारे आईफोन के लेटेस्ट फीचर्स आपके आईफोन में ला के दूंगा। नहीं, नहीं मानता। मानोगे मानोगे मानोगे, वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी कहोगे भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। पर कोई भी स्टेप अगर मिस किया तो आप भी बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए आपको जाना है दोस्तों सेटिंग्स के अंदर, उसमें जनरल के अंदर दोस्तों आपको जाना है ऑटोमेटिक अपडेट्स पे। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कोई भी अपडेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट तो बीटा वर्जन में आता है। बेटा, अरे बेटा नहीं, बीटा। दोस्तों बीटा वर्जन इज अ टेस्टिंग वर्जन जो कि कोई भी कंपनी रिलीज करती है मार्केट में, ताकि बहुत सारे कंज्यूमर्स उसको टेस्ट कर पाएं और उसके बग्स को बता पाएं। तो दोस्तों उसी वर्जन को आज हम लोग डाउनलोड करेंगे, ताकि आप लोगों के पास भी लेटेस्ट फीचर सबसे पहले आ जाएं। नाउ टू इंस्टॉल बीटा वर्जन ऑन योर आईफोन आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। दोस्तों स्टेप 1, एनरोल योर डिवाइस। तो दोस्तों आपको एनरोल करने के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पे, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पे जाइए आप। दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि रिलेटेड टू होगा आपके डिवाइस को एनरोल करने का। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक एप्पल की आईडी नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों साइन इन करने के बाद आपके सामने एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करके कुछ ऐसे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा एनरोल योर iOS डिवाइस। दोस्तों इसमें आपको क्लिक कर लेना है, और दोस्तों क्लिक करने के बाद ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। दोस्तों इसमें इसने सारे स्टेप्स बता रखे हैं iOS, iPadOS, macOS सबके लिए। स्टेप 2, डाउनलोड द प्रोफाइल। दोस्तों सेकंड स्टेप में आपको करने हैं डाउनलोड प्रोफाइल, जो कि दोस्तों आपको सेकंड स्टेप में मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों डाउनलोड प्रोफाइल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इसको अलाउ पे क्लिक कर देना है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रोफाइल डाउनलोडेड, रिव्यू दिस प्रोफाइल इन सेटिंग्स ऐप इफ यू वांट टू इंस्टॉल इट। स्टेप 3, इंस्टॉल द प्रोफाइल। दोस्तों थर्ड स्टेप में आपको जाना है वापस फोन की सेटिंग्स के अंदर, और दोस्तों फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपकी जो प्रोफाइल डाउनलोड होती है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी मिल रही तो आप यहाँ पे प्रोफाइल लिख लीजिएगा, नहीं तो आपकी VPN सेटिंग के अंदर वैसे होती है, मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे VPN डिवाइस मैनेजमेंट, इस पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडेड प्रोफाइल्स, और दोस्तों इसमें डाउनलोडेड प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा इंस्टॉल का। दोस्तों आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, अपना पासकोड डालिए, और दोस्तों पासकोड डालने के बाद यहाँ पे जो भी कंसेंट आए उसको पढ़ के इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों ऐसा करने के बाद एक रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा, तो आप इसको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिए। मीनवाइल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेप 4, ऑटोमेटिक अपडेट्स। दोस्तों स्टेप 4 में हमें चेक करना है ऑटोमेटिक अपडेट्स, और दोस्तों ऑटोमेटिक अपडेट्स के लिए आपको पहले फोन रीस्टार्ट होएगा, और उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे वापस अपने फोन की सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है जनरल के अंदर। दोस्तों जनरल में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर, एंड दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोई अपडेट, एंड दोस्तों फाइनल वन जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन के अंदर। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है iOS 16.5 का पब्लिक बीटा अपडेट, जो कि 5.26 GB का है। दोस्तों आपको इसको क्लिक करके आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहली बात यह है कि आपके पास स्पेस होना चाहिए, प्लस आपकी फोन की बैटरी 50% अबव होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के बाद अगेन आपका फोन जो है कुछ परमिशंस मांगेगा या फिर कुछ कंसेंट लेगा, उसके बाद फोन रीस्टार्ट हो जाएगा एंड आपका फोन ऑटोमेटिकली पब्लिक बीटा पे आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिक बीटा इंस्टॉल कर रखा है, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है उसमें सारी चीजें चलती हैं, दैट इज आपके फोन की। दोस्तों इसके अंदर बैंकिंग ऐप भी वर्क करती है और बाकी सारी ऐप्स भी वर्क करती हैं, तो उसमें कोई पंगा नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर दें।